गैस सिलेंडर, इसे क्या करेंगे? बाजू कौन से हैं? हाँ एक और ये दो, दो बाजू, शाबाश, नीचे बैठे। और आप दिखाइए, याच्यामध्ये बाजू दाखवी लीजिए ना, आता पृष्ठभाग कोणते कोणते आहेत दाखवू। याच्यामध्ये पृष्ठभाग एक दोन आणि तीन, तीन तीन पृष्ठभाग, बहुत अच्छा। सिद्ध लंबवृत्तीय बेलन भी इसे हमने इस साहित्य से बनाया है लौकी से, और लंबवृत्तीय बेलन भी छात्रों ने अच्छे तरह से इसका इस तरह से बनाने की वजह से छात्रों के अंदर एक नई जागृति तैयार हो गई कि इस प्रकार के साहित्य बनाने से छात्रों के अंदर थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए हमने इस तरह के साहित्य बनाया है। तो यह इससे हमने यह क्या बनाया है, घनाभ बनाया है, इष्टिका चित्ती बनवलेला है। या इष्टिका चित्तीचा बाजू कोण मोजून दाखवते, ह्या इष्टिका चित्तीचा बाजू मोजून दाखव। इष्टिका चित्तीचा बाजू एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा। छान, बहुत अच्छा। सिट डाउन। आज हमने लौकी द्वारा एक शैक्षणिक साहित्य बनाया है, इस शैक्षणिक साहित्य का नाम है घनाभ। इस घनाभ जब छात्र इस तरह से लौकी से घनाभ बनाएंगे और वह उनके कोरे कितने हैं, पृष्ठ कितने हैं और शिरोबिंदु शीर्ष बिंदु कितने हैं ये बताएंगे, तो यह जो उनका अध्ययन अध्यापन है यह हमेशा के लिए, वह जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके दिमाग में रहेगा। इसलिए इस तरह से शैक्षणिक साहित्य इस्तेमाल करने से हमारे पाठ्यक्रम में सुधारणा आएगी और बच्चों का जो गणित विषय मैथ विषय जैसा कठिन विषय समझते हैं, इस यह कठिन विषय आसान होने में मदद होगी।